हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में, मतलब इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं उसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो अनौपचारिक पत्र होता है वो लिखते हैं अपने परिवारजन, मित्र, पड़ोसी एवं संबंधियों को। और इन पत्रों को लिखते समय हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी औपचारिकता के पत्र व्यवहार करते हैं। मतलब जो भाषा होती है उसमें हमें ध्यान नहीं रखना होता, औपचारिक पत्र की तरह है कि भाषा एकदम से शिष्ट होनी चाहिए। वैसे तो शिष्ट होनी चाहिए, पर हम मतलब उसको थोड़ा इमोशनल बना सकते हैं इसमें। और मेनली अंतर क्या होता है औपचारिक पत्र के फॉर्मेट में, तो इसमें सबसे पहली बात होती है कि एड्रेस एक ही होगी। इसमें एड्रेस एक ही होती है और वो एड्रेस होती है भेजने वाले का। आपने देखा होता होगा कि अनौपचारिक पत्र में दो एड्रेस होती हैं, जबकि इसके अंदर एड्रेस एक ही होगी, वो भी भेजने वाले की। और दूसरा कि सामान्यतः पत्र की शुरुआत कुशल क्षेम से करेंगे। मतलब अगर जब तक कोई गलत नहीं हुआ है तब तक पत्र की शुरुआत हम करेंगे अगले से ये पूछते हुए कि मैं इधर स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी उधर स्वस्थ होंगे। जब तक मतलब किसी के पिता की मृत्यु वगैरह नहीं हुई होगी तब तो ये लिखेंगे, ये जानकर बड़ा दुख हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद पत्र के अंत के भाग में शुभकामनाएं लिखते हैं, समझ गए होंगे आप। और उसके बाद हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इधर इधर लिखेंगे आप सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद मैंने जो भी ये इधर ये से दे रखा है, ये इसका मतलब है ब्लैंक देना है आपको। उस ब्लैंक के बाद में आपको यहाँ डेट लिखनी है, डेट के बाद दोबारा यहाँ ब्लैंक देना है। और फिर लिखना है प्रिय, मतलब छोटे भाई को अगर लिख रहे हो तो लिखना आप प्रिय अनुज सुनील। मतलब यहाँ जो अनुज नाम प्रयुक्त हुआ ना, ये छोटे भाई के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। अगर बड़े भाई को लिखते हैं तो आप लिख सकती प्रिय बड़े भाई सुनील, ठीक है ना। इसके लिए हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। फिर इसके नीचे आपको दोबारा एक स्पेस देना है, ये लाइन जो ऐसे दिखा रखा है मैंने, दोबारा स्पेस है उसके बीच में, यहाँ आपको बॉडी पार्ट लिख देना है। और बॉडी पार्ट पूरा लिखने के बाद आपको दोबारा स्पेस देना है और फिर आपको लिखना शुभकामनाओं सहित सहित, इसके बाद में आएगा एक कोमा और उसके बाद आएगा जो नाम आपको दिया गया है भेजने वाले का नाम, ठीक है ना। इसको आपको पूरा एक बार एक साथ दिखा देता हूँ मैं, आप इसको देख लीजिए। जहाँ भी मैंने एक खाली लाइन दी हुई है, बीच में डब्बा बनाया हुआ, उसका मतलब है वहाँ आपको स्पेस देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने आप को सुरिचा मानते हुए अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखें जिसमें आप उनसे कैरियर के बारे में मार्गदर्शन चाहती हैं। आपका पता 26 केशव विहार जयपुर राजस्थान है। तो उन्होंने पता अपने को दे रखा है और ये भेजने वाला का पता उसने उन्होंने दे रखा, तो आप क्या लिख दें, केशव विहार, सॉरी 26 केशव विहार जयपुर राजस्थान। तो जयपुर और राजस्थान के बीच में कोमा आएगा, अगर जयपुर दे रखा होता कोई कोमा की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, आप ये समझते होंगे बात। फिर आपको स्पेस देना है, उसके बाद आपको जुलाई 15 के बाद कोमा लगाना है और 2018 लिखना है। अगर 15 जुलाई 2018 लिखते तो कोई कोमा नहीं आता। और उसके बाद में आपको स्पेस दे दिया, और ये उनके बड़े भाई हैं तो उन्होंने ये नहीं लिखा प्रिय अनुज अमित, वो उन्होंने सीधा लिख दिया प्रिय भाई अमित, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने फिर स्पेस दिया है, आप यहाँ देखेंगे ये स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से आप पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पत्र में सबसे पहले कुशल क्षेम पूछनी है कि आपका पत्र मिला जानकर बड़ी हुई खुशी हुई कि आप अपनी कार्यालय विदेश यात्रा से स्वस्थ लौट आए हैं। एक स्थिर करियर विकल्प बनाने के लिए मार्गदर्शन की सहायता के लिए आपको पत्र लिख रही हूँ, ठीक है ना। इस ऐसे लिख के आप इसको पूरे को पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये चार का ऐसे डब्बा है, चार का डब्बा बताते हैं सीजीएल में, और उसके बाद ये नीचे वाला एक बार बना लेता हूँ मैं, तीन इस तरह से है। अगर आपका पैराग्राफ यहाँ खत्म होता है ऊपर वाला तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ होता है तो भी यहाँ से करेंगे, यहाँ होता है तो भी यहाँ से करेंगे। मान लीजिए कि आपका पैराग्राफ इस लाइन में खत्म हुआ है जैसे है, तो आप इस पूरी लाइन को खाली छोड़ के यहाँ से अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे, ठीक है। ये यही मेथड है, मतलब पैराग्राफ आपको सीधा हमेशा यहीं से शुरू करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो ये लाइन है ये लास्ट में खत्म हुआ उसके लिए छोड़ी है, वैसे कोई लाइन नहीं छोड़ी है, मतलब पैराग्राफ चेंज करने के लिए। और फिर ये दोबारा लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद में लास्ट में दोबारा सुनहरे एक दोबारा पैराग्राफ चेंज किया है। और उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन भी आपको ऐसी कुछ लिखनी होती है कि विचारों के इस सागर में चाहती हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होकर राष्ट्र
निर्माण में मदद कर सकूं, माता पिता को नमस्कार। ऐसी लाइनें आपको लिखनी है कि आप छोटे भाई को प्यार और माता पिता को नमस्कार, ऐसे आप लाइन लिख सकते हैं। और उसके बाद में दोबारा आपको स्पेस देना है और फिर शुभकामनाओं सहित के बाद कोमा लगा के जो नाम है सेंडर्स का उसका लिख देना है। तो अगर आप पत्र पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। बीच वाले भाग को मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसी सी भाषा रखनी है। ये नोट्स एक एक्सपीरियंस टीचर के हैं, मैंने खुद अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बनाया है। ठीक है, वो बहुत से बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं अच्छी तरह से। और भी वीडियो लाते रहेंगे जिनमें लेटर लिखाए गए हों। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं एक दो अच्छे लेटर, तो एक तो आप देख सकते हैं कि अभी जून में योग दिवस मनाया गया है, तो योग के बारे में, योग के महत्व को प्रकाश डालते हुए अपने छोटे भाई को पत्र, या फिर योग को विषय के रूप में शामिल करने के लिए जो अपने सचिव होते हैं उसको पत्र लिखना है। और दूसरा है खेलो इंडिया पर आपको पत्र लिखना पड़ सकता है खेल सचिव को। तो ये दो तीन पत्र हैं जो आप पढ़ सकते हैं, मैं भी ट्राई करूँगा कि इन पर पत्र डालूँ। धन्यवाद दोस्तों।